like, share and subscribe my YouTube channel and follow me on Instagram and Facebook. Welcome to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ. तो आइए आज मैं आपके साथ अपनी ये न्यू रेसिपी शेयर करूँगी, जो है लोबिया की सब्ज़ी, और लोबिया की फली भी बोलते हैं इसको. और मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है, और वॉश करके, और ये मैंने ली है, आधी किलो ली है मैंने, और इसको वॉश करने के बाद मैंने इनको अभी कट कर लिया है. इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे इसको. और बाकी मैंने इसके साथ आलू ले लिए हैं, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च लिया है, इनको कट कर लिया है. अब मैंने गैस ऑन कर ली है, और इस पर मैं अब कुकर रख दूँगी. आपको कुकर में या कढ़ाई में, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं उसमें बना सकते हैं. मैं कुकर में बना रही हूँ, और कुकर गर्म हो गया है. अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, ऑयल भी गर्म हो चुका है. और अब मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ. जीरा जब भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें हींग डाल रही हूँ. हींग डालने के बाद हींग को भी हम थोड़ा भुनने देंगे. उसके बाद हम इसमें लहसुन, हरी मिर्च और प्याज जो हमने कट कर कर रखे हुए थे वो डाल देंगे, और उनको भी हम मिक्स कर देंगे ताकि वो थोड़ा सा तेल में फ्राई हो जाए. उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे. आलू को भी डालने के बाद हम इसमें एक तेल में थोड़ा फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ा पक जाए. अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, और नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी. उससे क्या होगा, आलू हमारा जल्दी गल जाएगा. अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी. तो मैं मसाले ऐड करने में इसमें डाल रही हूँ, ये सब्ज़ी मसाला डाला है मैंने, लाल मिर्च डाली है, और फिर ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं, फिर हल्दी डाल रही हूँ, और उसके बाद इसमें मैंने डाला है सौंफ. और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी. मिक्स कर देंगे हम इसको अच्छे से ताकि सारे मसाले भुन जाएं अच्छे से. अब मैं इसमें डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च ताकि इसका कलर अच्छे से और एनहेंस हो, और इसको अच्छे से फिर मैं मिक्स कर दूंगी. और इसके बाद इसमें मैं छोटा कप पानी डालूंगी ताकि मसाला जो है वो नीचे लगे ना, और उसको अच्छे से हम फिर चला देंगे. चलाने के बाद हम इसमें जो बीन्स हमने कट कर कर रखी हुई हैं उसको हम डाल देंगे इसमें, और फिर उसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको. मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी एक छोटी चम्मच सौंठ, और उससे अच्छा फ्लेवर एनहेंस हो जाता है, और सौंठ हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है. और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसको अब कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी. और हमें इसमें एक सीटी लगानी है. जब आपकी सीटी लग जाएगी उसके बाद आप इसको गैस से उतार लीजिएगा. वैसे सब्ज़ी ज़्यादातर कढ़ाई में या ओपन बर्तन में ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन मैं कुकर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सुबह हमें जल्दी होती है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो इसलिए मैं इसमें कुकर में बना रही हूँ. तो अब ये सीटी लग चुकी है, मैं इसको सीटी को बंद कर कर कुकर को उतार लेती हूँ. अब ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है. और मैंने इसको सब्ज़ी सर्व करने के बाद इसमें देसी घी डाला ऊपर से, और उसके ऊपर मैंने आनियन रख दी थी उसको डेकोरेट करने के लिए. उसके बाद अब ये मैंने लच्छा पराठे के साथ सर्व किया इसको. आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनी थी रेसिपी. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है. और अगर आपको कुछ और रेसिपी अगर मुझसे चाहिए तो आप उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.